अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच चल रही जंग के केंद्र में क्या है, केंद्र में क्या है, क्यों ये इतने लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है, तो आप में से ज्यादातर लोग हो सकता है कहेंगे कि ये तो हो सकता है जमीन की लड़ाई है, लेकिन असल में इसके केंद्र में मजहबी लड़ाई है, जिसके एक तरफ इसराइल के यहूदी हैं और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के अरब मुसलमान। ये लड़ाई लगभग लगभग मुसलमान वर्सेस यहूदी बना दी गई है, वैसे यह आतंक के विरुद्ध लड़ाई। अच्छा, ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसराइल की 20% आबादी, 20% आबादी इन्हीं अरब मुसलमानों की है। जी हां, इसराइल में 20% अरब मुसलमान। इस्लाम इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म, इस्लाम इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा धर्म, और मुसलमान भी इसराइल की आबादी में यहूदियों के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। दरअसल आतंक के खिलाफ लड़ाई को मुस्लिम विरोधी लड़ाई बनाने की कोशिश की जा रही है, आतंक के विरुद्ध युद्ध को इस्लामोफोबिया बताया जा रहा है। इस वजह से दुनिया भर के ज्यादातर मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग देशों के मुसलमान इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमास अपने आतंकी मंसूबों को जो मजहबी चोला पहनाना चाह रहा है ना, उसकी पोल इसराइल के ही देशभक्त मुसलमानों ने खोली है, जो हमास के लिए किसी काल से कम नहीं है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, इसराइल के देशभक्त मुसलमान हमास के लिए काल हैं। जो लोग कहते हैं ना हमास के, मतलब यमराज कह लीजिए आप, जो लोग हमास के समर्थन में हैं, वो आज हमारा कार्यक्रम देखकर कहेंगे तो क्या हो गया भाई, मतलब इसराइल क्या करता है। इसराइल लोग ये फेक न्यूज फैलाएंगे कि इसराइल तो अपने यहां रहने वाले अरब मूल के मुसलमानों पर भी अत्याचार ढाता है। इसराइल में जो लोग वहां पर रह रहे हैं मुसलमान, वो कौन सा खुश है, भड़काने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसराइल में रहने वाले मुसलमान कौन सा खुश होंगे, सब कहा जाएगा। इन लोगों की नजर में इसराइल की आबादी में 20% की हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमान भी अपने ही देश में परेशान हैं। ये ऐसा डराने वाली दुकानें जैसे यहां पर भी चलती है ना, वहां पर भी चलती है दुकान, वहां पर भी। भारत की आबादी में भी आप जानते हैं करीब 20% की आबादी हिस्सेदारी रखने वाले भारतीय देशभक्त राष्ट्रभक्त मुसलमान, भारतीय मुसलमान अपने देश में कितने परेशान कितने खुश, इस पर हम फिर कभी और बात करेंगे। लेकिन आज इसराइल की बात, आपको इसराइल में रहने वाले मुसलमानों के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, यहां के लोगों के कई कई भाईजान, कई मुसलमान हैं जिनका गाजा के लिए दिल धड़क रहा है ना, उनको ध्यान में रखकर ये कहानी सुनिएगा। इसराइल के मुसलमान अपने देश के साथ खड़े हैं या अपने मजहब की वजह से वहां उन लोगों के साथ, गाजा या फिलिस्तीन के साथ, यह कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत सबक है इसमें, बहुत सीख है। इसराइल के मुसलमानों के बारे में बताते हैं। दुनिया भर के मुसलमानों के ठेकेदारों को लगता है कि इसराइल मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता है ना। इसराइल अपने देश में और फिलिस्तीन में बसे मुसलमानों को, खासकर इसराइल अपने देश में मुसलमानों को खत्म कर देना चाहता है, यह सब फैलाया जाता है। इस्लाम के अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की कुछ फ्रेंचाइजीज भारत में भी हैं, वो भी इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर ऐसी सोच रखते हैं जैसे ये जो लड़ाई है ये मुस्लिम बनाम यहूदी है। ऐसा है ही, ये आतंक के विरुद्ध लड़ाई है, इसी वजह से इसराइल के मुसलमान भी आतंक से लड़ रहे हैं, यानी कि इसराइल के राज में मुसलमान पीड़ित हैं, ये फैलाया जाता है। इसराइल ने मुसलमानों के दमन की कसम खाई है, ये फैलाया जाता है। लेकिन कुछ साल पहले सुनिएगा, इसराइल के ही द इसराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने पीस इंडेक्स के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा जिसमें इसराइल में रहने वाले 55% मुसलमानों ने कहा था कि उन्हें इसराइल का नागरिक होने पर गर्व है। अगर यह लड़ाई एक धर्म के खिलाफ होती, अगर यह लड़ाई इस्लाम के खिलाफ होती, अगर यह लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ होती, तो कितने 55% लोग ये कैसे कहते कि वो तो अपने देश में इसराइल में खुश है, इसराइल के साथ है। अगर ये लड़ाई बकौल कट्टरपंथी मौलाना भड़काऊ गैंग ये इस्लाम के खिलाफ होती, तो आधे से ज्यादा आबादी को इसराइल में रहने में मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं है, क्यों नहीं होती, बल्कि उन्हें तो इसराइली पहचान पर गर्व है। जी हां, इसराइली अरब के 60% लोगों ने तो यह भी कहा कि इसराइल में उनकी स्थिति बेहतर है और बेहतर है।
इसराइल में रहने वाले 72% 72% मुसलमान चाहते हैं कि उनके नेता इसराइल की सरकार में शामिल हों ताकि उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। इसराइल में रहने वाले 86 ये देखिए आंकड़े भी आ गए, 86% को यहूदी पड़ोसियों से कोई परेशानी नहीं। ये यहूदी बनाम मुसलमान का मुद्दा नहीं है, सिर्फ आतंक के खिलाफ विशुद्ध लड़ाई है। इसलिए भारत फिलिस्तीन के साथ भी है, भारत इसराइल के साथ भी है, आतंकवादियों को लेकर जीरो टॉलरेंस है। ये आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई है इसराइल की, इसराइल पर आतंकी हमला था, इसलिए इसराइल के मुसलमान भी हमास के लिए यमराज हैं, काल हैं। इसराइल में रहने वाले 86% अरबों को इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि कोई यहूदी उनके पड़ोस में आकर रहे, 88% अरबों को यहूदियों को दोस्त बनाने से कोई परेशानी नहीं है, सारे आंकड़े आप देखिए। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों है, आपसे एक सवाल, मतलब ऐसा क्यों है कि जो अरब मुसलमान इसराइल में खुशी खुशी रह रहे, जो अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति से संतुष्ट, जो यहूदियों का अपना दुश्मन नहीं मानते, जो इसराइल की सरकार में शामिल होना चाहते हैं, इसराइल से बाहर झांकने पर, मतलब इसराइल में बहुत अच्छा अच्छा है, इसराइल में बाहर जाने पर लगता है कि मुसलमान और यहूदियों को कभी कोई एक नहीं कर सकता, मुसलमानों को इसराइल का सफाया करके ही दम लेना चाहिए, इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, मुसलमान 190 करोड़ एक तरफ, यहूदी 1.5 करोड़ एक तरफ। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि धर्म के ठेकेदार ऐसा नहीं होने देना चाहते, धर्म के ठेकेदार दोनों मजहबों के बीच दुश्मन को बढ़ाना चाहते हैं। इसराइल के देशभक्त राष्ट्रभक्त मुसलमानों से आज आपको मिलाएंगे, मतलब ये इसलिए भड़काते ताकि उनकी दुकान चलती रहे, ठीक वैसे ही जैसे भारत में भी होता है, ये तुष्टीकरण, ये डराने धमकाने वाली दुकानें चलती हैं। भारत में देश के मुसलमानों को ना जाने मतलब सिर्फ ये कहकर डराया जाता है कि वो खतरे में है, बल्कि उनके वोट हासिल करने के लिए उनसे कई तरह के झूठ बोले जाते हैं। देखिए कई मौलाना हैं जो भड़का रहे हैं मुसलमानों को, भड़का रहे हैं, गाजा के नाम पर डराने की कोशिश हो रही है कि देखो गाजा में जो हो रहा है वही तुम्हारे साथ हो रहा है, गाजा की कश्मीर से तुलना की जा रही है, और तो और उन्हें इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी भड़काया जाता है, जबकि भारत के मुसलमानों का फिलिस्तीन से क्या लेना देना है भाई? मतलब ये जिनको दर्द हो रहा है इतना, इनको कभी कश्मीरी पंडितों के लिए दर्द हुआ? कश्मीरी पंडितों अपने भारतीय, जब इस्लामिक आतंकवाद की वजह से कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़कर जाना पड़ा था, उनके लिए कभी इन्होंने नारेबाजी की इस तरह से? गाजा के मुसलमानों के लिए इनको दर्द हो रहा है, गाजा के, जिनसे गाजा के आतंकवादियों से इसराइल के मुसलमान भी लड़ रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, मतलब कुछ नेताओं ने इसमें भी मुसलमानों के तुष्टीकरण का बहाना ढूंढ लिया है। मैं इनका जिक्र कर रहा था, हैदराबाद में ऑल इंडिया एमआईएम के नेता सौदेवसी ने एक भाषण दिया, भाषण में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन, भारत के मुसलमानों को गाजा के बहाने भड़काने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें सब तरफ से हो रही है। तेलंगाना के गृहमंत्री मोहम्मद महबूब भी फिलिस्तीन और गाजा के को बीच में ले आए और मुसलमानों को याद दिलाने लगे कि उन्होंने भी 800 साल राज किया। आप गाजा के नाम पर देश के मुसलमानों के तुष्टीकरण में लगे नेताओं के बयानों को सुनिए, कैसे गाजा के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। फिर हम इन नेताओं को इजरायली सेना के उन मुसलमान सैनिकों से मिलवाएंगे जिनसे हमास के आतंकवादी थर थर कांपते हैं, कैसे इजरायल की सेना में शामिल बदु मुसलमान जरूरत पड़ने पर हमास के कट्टरपंथियों और आतंकवादियों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं, कैसे मुसलमान अपने देश इसराइल को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मतलब ऐसी कहानी, उसकी कहानी आज हर उस शख्स को देखनी चाहिए जो गाजा में छिड़ी लड़ाई के बहाने दुनिया भर के मुसलमानों से कह रहा है कि इसराइल के खिलाफ एक हो जाओ, लेकिन पहले नेताओं के बयानों को सुनिए और समझिए और जागिए। आप दुआ करिए गाजा की आवाम के लिए, और हम हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 1987 में श्रीलंका में जाफना में जब टेमिलियंस पर ये इस तरह का महासरा कर लिया गया था, तो भारत की हुकूमत ने प्लेन के जरिए से टेमिलियन जो जाफना में फंसे हुए थे उनको खाना तकसीम किया था। फलस्तीन मुसलमान इस हिंदुस्तान में भी 800 साल हुकूमत किए हैं, आज क्या को अमन फराम करें, उन्हें अच्छी सी जिंदगी जीने का रास्ता फराम करें, ये हमारा फर्ज बनता है। इस्लाम की तालीमात मुफ्ती साहब ने बताया है कि अगर किसी को तकलीफ होती है तो उसे रोका जाए, तकलीफ देने वाले को रोका जाइए, जालिम को रोका जाइए। आपके पास ताकत है तो ताकत से रोकिए, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो कम अज कम
आप कराइए तो महसूस कीजिए कि आदमी जुल्म कर रहा है, इससे नजात दिलाना चाहिए। मतलब आप खुद तय करिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, इसको धर्म के खिलाफ मजहबी रंग दे दिया गया है, गाजा के बहाने भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। मतलब कैसे फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर भारत के मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है, कैसे इसराइल को मुसलमानों का दुश्मन बताया जा रहा है, कैसे इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कसमें खाई जा रही है। लेकिन अब ऐसे लोगों को इसराइल में रहने वाले उन मुसलमानों की कहानी देखनी चाहिए। देखिए बदू मुसलमान, इसराइल की कुल आबादी में से 20% मुसलमान है, बहुत खुश है, सुरक्षित है, अपने देश के साथ खड़े हैं। इन 20% मुसलमानों में से 10% यानी करीब 200,000 मुसलमान बदुइन मुसलमान है, जिन्हें बदू मुसलमान भी कहा जाता है, बदू कहा जाता है। अब ये क्या है कि बदू परंपरागत तौर पर एक तरह का ना बंजारा समुदाय है, ये मुसलमान है जो सदियों से अरब के रेगिस्तानी इलाकों में रहते आए हैं। इसराइल में रहने वाले बदुइन मुसलमान कट्टर देशभक्त हैं, इनके लिए धर्म से पहले देश है, मजहब से पहले देश है, और पड़ोसी देशों की तरफ से पैदा होने वाले खतरे से लड़ने में इसराइल के लोग मदद करते हैं। जब देश पर आंच आएगी तो दुश्मनों से भिड़ जाते हैं अपने देश के लिए। बदू मुसलमान, करीब 1600 बदू मुसलमान इजरायली सेना का हिस्सा है। अगर यह लड़ाई एक मजहब के खिलाफ होती, जैसा कि यहां पर कुछ लोग भड़का रहे हैं, तो ये मुसलमान क्यों लड़ रहे होते फिर? इनमें से कई तो IDF की एलीट यूनिट्स में काम करते हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स। इन्हें गर्म बंजर और रेगिस्तानी इलाकों में रहने की आदत होती है और ऐसे इलाकों में इजरायली सेना के साथ मिलकर दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशंस चलाते हैं। हमास के आतंकवादियों को तो मतलब इनमें यमराज नजर आता है, क्योंकि अगर इन बदू मुसलमानों की नजर आतंकवादियों पर पड़ जाती है तो फिर आतंकवादियों का बचकर निकलना मुश्किल हो जाता है। ये इसराइल की सेना की बड़ी ताकत है, धर्म थोड़ी ना, सेना में से बदू मुसलमान ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में कई अरब मूल के मुसलमान भी हैं जो इजरायली सेना में हमास से लड़ रहे हैं और अपने देश के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। सुने, करीब 4 साल पहले इजरायल की सेना में भर्ती हुए ऐसे ही देशभक्त मुसलमान ने अपने देश इजरायल को लेकर क्या कहा था, सुनना चाहिए आज आपको। माई नेम इज यहया महमीद, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम एन इजरायली, आई एम एन अरब, आई एम अ मुस्लिम एंड आई एम अ प्राउड सोल्जर in the Israeli Defense Forces. I grew up in the Arab village of Umm al-Fahm. I grew up in a country that I was taught to hate, but eventually I fell in love with Israel. I decided I wanted to give back to my country. So even though I am not required to do military service, I chose to enlist in the IDF and join a combat unit. I was nervous about how the rest of my platoon would feel about serving with a soldier who comes from a Muslim background. But I was greeted with open arms, treated with nothing but respect and admiration. Today I officially finished advanced training in the Nahal Infantry Brigade. And when I stood on the ceremony alongside the brothers that I had been training with for the last 8 months, I was proud to accept the responsibility of standing at the borders. अब आप खुद तय करिए, लड़ाई ये मजहब के खिलाफ है या आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में 19 दिन की जंग में इसराइल गाजा पर 12,000 टन, कितना, 12,000 टन बारूद बरसा चुका है। इसराइल की बमबारी के बर्बाद हुए गाजा से आई तबाही की तस्वीरें हिरोशिमा में एटम बम के बाद हुई तबाही की याद दिला रही है। जितना हिरोशिमा पर बम बरसाया उतना वजन 12,000 टन का बम अब तक गाजा पर इसराइल बरसा चुका है। रिपोर्ट देखिए आप। हमास का हैवान बोलेगा, 7 अक्टूबर के राज खोलेगा। हमास का ऐलान, बंधक बनाओ पैसा पाओ। हमास के भाड़े के लड़ाकों ने किया था कत्लेआम। कत्ल रिजाल,
हमास के सुपारी किलर का सनसनीखेज कबूलनामा। हमास के आतंकियों के कबूलनामे को तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वॉर फ्रंट से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पिछले 19 दिनों में हमास और इसराइल के बीच जंग जारी है और इस दौरान इसराइल गाजा पर करीब 20,000 टन बारूद बरसा चुका है। इजरायली वायुसेना ने हाल ही में हमास के खिलाफ पहली बार अपने हाईटेक आयरन स्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया। IDF ने इसका एक वीडियो भी जारी किया। इजरायली डिफेंस फोर्स की मैगलन यूनिट ने इस हथियार का इस्तेमाल हमास के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाने और आतंकियों को मारने के लिए किया। इसराइल गाजा पर इतना बारूद बरसा चुका है कि गाजा शहर कम और कब्रिस्तान ज्यादा नजर आ रहा है। और अब बात हमास के हैवानों के कबूलनामे की। कैमरे पर अपने गुनाह कबूल करता ये वो शख्स है जो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमास के अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले में शरीक था। इसराइल की तरफ से जारी इस वीडियो में हमास की आतंकी अपना कबूलनामा दे रहे हैं कि कैसे हमास के टॉप कमांडर्स ने उन्हें इसराइली नागरिकों की हत्या करने और महिलाओं के साथ बच्चों और बुजुर्गों को बंधक बनाने के आदेश दिए थे। يعني حسب ما العمل اللي صار وانت ما شفت ايش الفرق بين هذا العمل وبين عمل داعش؟ ما في فرق بين التنكيل بحكي. सिर्फ यही नहीं बल्कि इसराइल की गिरफ्त में आए दूसरे हमास के आतंकियों ने भी कैमरे पर 7 अक्टूबर की साजिश के दिल दहला देने वाले राज खोले हैं। اسمين في العالم عملوا اللي انتو عملتوه داعش بيد سبب مين اشخاص بتقول حماس مين حماس لكن مين روس مين روس حماس السنوار इसराइल की गिरफ्त में आए आतंकियों ने न सिर्फ साजिश के राज खोले बल्कि हमास के उस कमांडर का नाम भी बताया जिसने उन्हें इस कत्लेआम का ऑर्डर दिया था। استوطنا فيها مدنيين عارفين مين اللي قال لكم يعني من القياده قتل المدنيين احنا اللي كان يحكينا محمد طاهر البطشه। 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए हमास ने बकायदा एक रेट लिस्ट भी बनाई हुई थी। हमास कमांडरों ने अपने भाड़े के लड़ाकों से ये वादा किया था कि उन्हें एक यहूदी की हत्या के बदले $10,000 मिलेंगे और एक यहूदी की किडनैपिंग के बदले मुफ्त में एक फ्लैट देने का वादा था। قديش المكافأة قالوا لكم؟ قالوا شقة منزل بيت $10,000 اللي بيجيب كل أسير باخذ شقة ومنزل؟ मतलब साफ है कि 7 अक्टूबर के कत्लेआम के लिए हमास के कमांडरों ने जिहादियों की नहीं बल्कि सुपारी किलर्स की फौज तैयार की थी और अब वही सुपारी किलर हमास के राज पूरी दुनिया के सामने खोल रहे हैं। اللي باخذ اسره
له مكافأة. आइए अब आपके सामने इसराइल के खिलाफ आतंकी तिगड़ी की एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर में नजर आ रहे इन चेहरों को गौर से देखिए। तस्वीर में दाई तरफ बैठा शख्स हिजबुल्ला का चीफ सैयद हसन नसरल्ला है। उसके सामने नीले रंग के सूट में बैठा शख्स फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का चीफ जियाद अल नखल्ला है और उसके साथ हमास के डिप्टी चीफ साहले अल अरौरी बैठे हैं। अब जरा दीवार पर लगी दो तस्वीरों को भी देख लीजिए। बाई तरफ ईरान के पूर्व धार्मिक गुरु आयतुल्ला खुमैनी की और दूसरी ओर वर्तमान में ईरान के धार्मिक गुरु आयतुल्ला अली खामनेई की तस्वीरें टंगी हैं। ये तस्वीरें कई मायनों में अहम हैं, क्योंकि एक तस्वीर इसराइल के खिलाफ आतंक के ट्रायंगल की साजिश की तस्दीक कर रही है। खबर के मुताबिक हमास, हिजबुल्ला और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के तीनों आका लेबनान की राजधानी बैरूत में एक खास मकसद के तहत मिले। तीनों के बीच हुई मीटिंग में ये तय हुआ कि गाजा में इसराइल के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्हें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। इसराइल पहले से ही आरोप लगाता आया है कि हमास, हिजबुल्ला और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को ईरान पैसे और हथियार मुहैया करवाता है, और ये तस्वीर उसके आरोप की जमीन को और पुख्ता बना रही है।